किचन कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस एट कोल्हापुर। आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो सबकी फेवरेट है, स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आती है। इट्स अ रेस्टोरेंट स्टाइल डिश, वो है पनीर बटर मसाला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन रखेंगे, उसे गरम करेंगे और हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 प्याज स्लाइस किए हुए, 6 से सौते करना है और तब तक करना है जब तक कि ये प्याज लाइट ब्राउन न हो जाए। ये देखिए हमारा ऑनियंस लाइट ब्राउन कलर के हो गए हैं, बस हमें इतना ही पकाना है, हमें इससे ज्यादा डार्क नहीं करना। और जब ऑनियंस ऐसे लाइट ब्राउन कलर के हो जाएं, तब हम डालेंगे अदरक लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 8-10 लहसुन की कलियां हैं। ये मैं डाल रही हूं 25 काजू। जब आपके ऑनियंस लाइट गोल्डन हो जाए उसी वक्त आपको लहसुन अदरक और काजू डालना है, पहले मत डालिएगा वरना वो भी जल जाएंगे। थोड़ा सा सौते करेंगे, ये मैंने 3 टमाटर रफली चॉप कर लिए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट और ये है कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। ये ज्यादा तीखा नहीं होता, ये सिर्फ कलर के लिए डाला जाता है। अच्छे से हम 5 मिनट्स तक कुक करेंगे जब तक कि ये टमाटोज पूरी तरीके से कुक हो जाए, गल जाए। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पानी। के 10 से 12 मिनट के लिए रख दीजिए ताकि वो टमाटर पूरी तरीके से गल जाए स्लो गैस पे। ये मसाला कुक होके रेडी हो चुका है, 10-15 मिनट तक मैंने इसे कुक किया। उसके बाद इसे ठंडा करना है कम्प्लीटली, फिर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमने बना लिया है, इसे कहते हैं ऑनियन टमाटो पेस्ट। ये रेडी हो चुका है, इसे हम निकाल देते हैं। ये हमारा ऑनियन टमाटो पेस्ट रेडी हो चुका है, अब हम पनीर बटर मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, जैसे कि ये पनीर बटर मसाला है तो इसमें बटर तो जाएगा ही। टू टेबलस्पून बटर,
जीरा 1 टेबलस्पून, अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 5 मिनट्स के लिए। गैस को लो कर दीजिए, जब भी आप मसाले डालें गैस बिल्कुल लो कर दीजिए। ये मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसमें डालेंगे ये कसूरी मेथी, ये 1 टेबलस्पून है। इसे ऐसे हाथ में लेके क्रश करके डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, अब मैं इसमें डालूंगी ये ओनियन टमाटो पेस्ट 1 कप जो हमने बनाया था। ये वही कप्स हैं जो हम बेकिंग में यूज़ करते हैं केक्स और कुकीज़ बनाने के लिए। आपको पेस्ट पूरी नहीं डालनी है, सिर्फ 1 कप ही यूज़ करना है। इसी से मेजर करके मैंने ये टमाटो प्यूरे लिया है। ये टमाटो प्यूरे का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं टमाटो प्यूरे। ये मेरा होम मेड टमाटो प्यूरे है। हम इसमें डालेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून। सॉल्ट हमने पहले भी डाला हुआ है तो आप उस हिसाब से डालिएगा। ये जो पानी है हमने पेस्ट बनाया था उसका पानी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब इस ग्रेवी को हम 5-10 मिनट्स के लिए कुक करने के लिए रख देंगे कवर करके स्लो गैस। ये जो ओनियन टमाटो पेस्ट हमने बनाया है ये 2 कप्स बना है। 1 कप हमने पनीर बटर मसाला में यूज किया और दूसरा जो कप है वो आप उस 2 दिन के लिए रेफ्रिजरेट कर सकते हैं और किसी भी रेसिपी में इसको भी यूज कर सकते हैं। ये हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है, ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है, ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अराउंड 1.5 टीस्पून गरम मसाला, और ये पनीर बटर मसाला है ये स्वीट होता है। इसमें जाता है 1 टेबलस्पून हनी शहद, आप चाहे तो इसमें शुगर भी डाल सकते हैं 1 टेबलस्पून।
3 टेबलस्पून, ये अमूल फ्रेश क्रीम है, ये जाएगा पनीर, ये 125 ग्राम 125 ग्राम्स पनीर है, आपका पनीर बटर मसाला रेडी। इसे हम सर्व करेंगे। पनीर बटर मसाला आपका रेडी हो चुका है।